भागना पड़ रहा है घर से। इसने पग यात्रा करवा के दिमाग ही खराब कर दिया हमारा। थक गए बड़ी जोर, सब लग रहा बैठ जाए यहीं पे। हाँ भैया, किसी की याद आ रही? अशोक भैया की। वो अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जब वो होते थे कोई भी टेंशन नहीं होती थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साक्षी और मेरे यूट्यूब चैनल मिस गुप्ता ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ स्टेशन जाने के लिए। स्टेशन मतलब मैं जा रही हूँ कहाँ, आप लोग को स्टोरी से पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे चलो मैं बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ मथुरा। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का, 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि स्टेशन पहले से पहुँच जाएँ और 8 बजे ट्रेन है। तो जल्दी से पहुँच जाएँ तो फिर जल्दी से बैठ जाएंगे ट्रेन में, ऐसा ना हो कि हम लोग लेट में जाएँ और ट्रेन छूट जाए हमारी। तो अभी हम लोग रेडी हो गए, बस बाल बांधने हैं, बस स्लीपर पहनने हैं और चल देना है। तो चलिए, आप भी इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ओके। और कौन कौन जा रहा है वो आप लोग को बाद में पता चलेगा स्टेशन में। तो अभी चलती हूँ मैं स्टेशन, पहले पहुँचती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय गाइस। मेरा बैग रेडी हो गया है ये, और भैया भी रेडी है इधर, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी आ जाए बस निकलते हैं। हाँ पानी की बोतल ले लो एक। मम्मा बहुत गरु है, अरे मम्मा वो गरु है भैया, अरे का लाद दिया है इसमें, अरे भगवान भागना पड़ रहा है घर से। पापा बाय, जा रहे हैं, बाय कर दो, बाय बाय बाय। देखो लोग कैसे निकल रहे हैं, मैं तो इतनी सी जगह से निकल जाऊंगी आराम से, ये इतनी छोटी सी एरिया। निकलो निकलो, ये घुस के निकलेंगे। वाह यस, निकल आए आप भी इतनी जरा सी रास्ते में। गाइस हम लोग स्टेशन आ गए, और इसने पग यात्रा करवा के दिमाग ही खराब कर दिया हमारा। थक गए बड़ी जोर, सब लग रहा बैठ जाए यहीं पे। फोन नीचे कर लो ना। हमारा फतेहपुर का स्टेशन, तीस मिनट लेट है अभी ट्रेन हमारी, अभी लेट हो गई है। चलो वेट करते हैं, अभी इतना भाग भाग के आए कि ट्रेन लेट हो जाएगी बट अभी 30 मिनट लेट हो चुकी है ट्रेन, सो रिलैक्स है। चलो बैठ जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं दीदी? हम लोग जा रहे हैं मथुरा। मथुरा जा रहे हैं, और कितना बज रहा है अभी? कितना टाइम? 8:22, 8:30 बजे ट्रेन आएगी, देखते हैं कब तक पहुंचाएगी। रात में शायद पहुंचाएगी, तो मैं आप सभी को बताती रहूंगी। तो अभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों से बात करेंगे, ओके, या फिर पहुंच के बात करेंगे। गाइस अभी अभी जस्ट हम लोग उतरे हैं ट्रेन से। कितना टाइम हो रहा है? 3 बज रहे होंगे रात का, समथिंग 3। हाँ 3 बज रहे होंगे। अब यहाँ भैया किसी की याद आ रही? अशोक भैया की, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जब वो होते थे कोई भी टेंशन नहीं होती थी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस भैया के पास पहुँच जाओ। अभी मैं इस इधर पे हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो हमेशा यहीं पे रहते थे,
उनकी ड्यूटी भी रेलवे में ही थे, टीटी थे, तो उनकी ड्यूटी भी यहीं पे लगी रहती थी, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम हमेशा यहाँ पे आते थे। अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो आज स्टेशन यहाँ पे आके ना बड़ा वो लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं, होटल देखते हैं, फिर कहीं होटल होटल मिलता है फिर देखते हैं। ओके, अभी होटल देखते हैं, यहाँ कहीं आसपास हो तो फिर जाएं सोए जाके। मैं मिलती हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग पे। ओके बाय, थक गए बहुत ज़्यादा, बाय। गाइस ये है हमारा रूम, सी ये यहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं, और ये है हमारा रूम। अरे बहुत थक गए हैं यार, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं। अब रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करने के बाद फिर सोचेंगे कि कहाँ जाना है। शाम को 4 बजे निकलेंगे, और ये हम लोगों ने बहुत पास में ही लिया है, इतना यार रूम नहीं मिल रहा था समझ लो, तब कहीं जाके ये रूम मिला है। तो अब हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, फिर उसके बाद में अब तो सबसे पहले सोएंगे, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, शाम तक हो सकता है 4 बजे तक कहीं निकलें। सो मुझे लगता है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना, बाय गाइस, लव यू।